हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 15, स्टैंडर्ड 11, वेव्स। ठीक है, तो सबसे पहले उसके इंट्रो में आगे बढ़ेंगे। वेव्स क्या होता है एक्चुअली? वेव्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? वेव्स क्या है? आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो, मतलब ऑसिलेशन वाला चैप्टर जो है वो आप पढ़ चुके हो। ठीक है, अभी हमें जो डिस्कशन करना है वो है वेव्स के बारे में। अच्छा, तो बेसिक एग्जाम्पल्स पे चलेंगे हम। सबसे पहले हमें समझना है वाटर वेव्स। वाटर वेव्स कैसे जनरेट होता है? आप सबका ये एक्सपीरियंस रहा होगा कि अगर कोई शांत पानी पड़ा हुआ है, उसके अंदर आपने कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया, कोई एक पत्थर उठा के डाल दिया, तो क्या होगा? तो जहाँ पे वो पत्थर गिरेगा उस जगह पे एक डिस्टोर्ड प्रोड्यूस होगा, डिस्टोर्शन होगा, मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब हो गए। उस डिस्टर्बेंस की वजह से वो मॉलिक्यूल जो है उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, उसकी वजह से वो नीचे जाएगा। लेकिन ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम दैट पार्टिकल विल टेंड टू कम बैक एट इट्स ओरिजिनल पोजिशन। मतलब वो अगर नीचे जा रहा है तो इलास्टिसिटी की वजह से वो वापस ऊपर आएगा, मतलब अपने मेन पोजिशन पर आएगा। जो ओसिलेशन हम जो पढ़े थे वो वही होगा। जो स्प्रिंग के नीचे मास अगर रखा हुआ है उसको खींचेंगे छोड़ेंगे तो जो ओसिलेशन मिल रहा था, सेम वही तरीके से पानी के मॉलिक्यूल्स में भी अगर स्टोन आके गिरता है तो वो नीचे जाएंगे, फिर वापस ऊपर आएंगे, थोड़ा और ऊपर आएंगे और एक ओसिलेशन अपना खत्म करेंगे। दैट्स इट, तो उसका ओसिलेशन हो गया। लेकिन और एक बात समझने लायक है, अगर एक मॉलिक्यूल ऐसा ओसिलेशन कर रहा है तो वो उसकी इलास्टिसिटी की वजह से हो रहा है। ठीक है, उसका एक ओसिलेशन खत्म हुआ लेकिन वो मॉलिक्यूल बाजू वाले मॉलिक्यूल के साथ भी एक बॉन्ड से बंधा हुआ है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं ना उसको, तो वो इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से एक पार्टिकल अगर नीचे जा रहा है तो अपने बाजू वाले पार्टिकल को भी नीचे की ओर खींचेगा। तो ये नीचे आया, बाजू वाला पार्टिकल थोड़ा नीचे आएगा, फिर उसके बाजू वाला पार्टिकल है वो भी सेकंड पार्टिकल के साथ नीचे जाएगा। इसे धीरे धीरे करके सारे मोलिक्यूल्स को वन बाय वन वाइब्रेशन मिलता जाएगा। कुछ टाइम के बाद फर्स्ट पार्टिकल था उसका एक ओसिलेशन खत्म हो गया, वो वहाँ पर स्टडी हो जाएगा और उसके बाद दूसरा स्टडी हो जाएगा, फिर तीसरा स्टडी हो जाएगा। ऐसे ऐसे वो डिस्टोर्शन जो मिला था, जो डिस्टर्बेंस मिला था, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये जो इफेक्ट है दोस्तों, इसको बोलते हैं वेव। ठीक है, आपका बेसिक तो क्लियर है। वेव के अंदर हम ऐसे अगर ड्रॉ करें तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रेस्ट और इसको बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, अगर गुजराती में देखें तो इसको बोलते हैं श्रृंग एंड इसको बोलते हैं गर्त। हिंदी में भी शायद यही बोलते होंगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। मैं गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि पानी के अंदर अगर पत्थर डाला तो पत्थर की वजह से जो डिस्टोर्शन मिला, वो डिस्टोर्शन, वो जो डिस्टर्बेंस है, वो धीरे धीरे मीडियम में आगे बढ़ रहा है और वेव प्रोपेगेट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक बात आपने गौर की यहाँ पे, अगर सोच लो कोई कागज का टुकड़ा है या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो पानी के सरफेस पे तैर रहा है, अगर वो वहाँ पे पड़ा है और डिस्टोर्शन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, वेव आगे बढ़ रहा है, तो क्या वो टुकड़ा भी आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि वेव जो है वो एनर्जी को कंडक्ट करता है, एनर्जी को वो पास करता है। ठीक है, वो मीडियम के पार्टिकल को आगे नहीं बढ़ाता है, वो मीडियम के पार्टिकल को सिर्फ ओसिलेशन ही देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मतलब जो कागज का टुकड़ा पानी के सरफेस पे पड़ा है वो आगे नहीं जाएगा, वो भी पानी के सरफेस के साथ एक ओसिलेशन करके बस स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे, एक पानी का एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल ले रहे हैं साउंड का। अच्छा, तो सोचो साउंड में क्या होता है। अच्छा, अभी मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन सकते हो। ठीक है, होगा क्या, अगर मैंने कुछ बोला तो मतलब मेरे गले से कुछ एनर्जी बाहर निकल रही है। ठीक है, साउंड बाहर निकल रहा है तो वो साउंड मेरे माउथ के पास की जो एयर है उसको थोड़ा पुश करेगी, तो एयर पार्टिकल्स जो है वो थोड़ा आगे जाएंगे। लेकिन ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ एयर वो आगे जाने वाले पार्टिकल वापस अपनी जगह पे आना चाहेंगे। ठीक है, लेकिन वो जैसे आगे जाएंगे तो उससे पहले वाला एयर पार्टिकल वहीं पर पड़ा हुआ है तो वो दोनों साथ में आ जाएंगे, मतलब वहाँ पर डेंसिटी बढ़ गई। क्या हुआ? वहाँ पर डेंसिटी बढ़ गई, जबकि मेरे मुँह के पास जहाँ से एनर्जी बाहर निकली थी वहाँ पे डेंसिटी कम थी, तो डेंसिटी कम डेंसिटी ज़्यादा, ऐसा हुआ। अभी ये पार्टिकल यहाँ पे गए तो उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट पार्टिकल का जो लेयर था उसको धक्का दिया, तो अभी क्या होगा, ये पार्टिकल आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे जो पार्टिकल थे वो वापस अपनी जगह पे आएंगे।
तो बीच में क्या हुआ, लो डेंसिटी हुआ, मेरे मुंह के पास नॉर्मल डेंसिटी, और यहाँ पे जो आगे बढ़े वहां पे फिर से क्या हुआ, हाई डेंसिटी मिला। तो ऐसे क्या होता है, वो एक पार्टिकल आगे जाके वापस आएगा, फिर उसका नेक्स्ट लेयर वो भी आगे जाके वापस आएगा, और धीरे 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 ऐसे मीडियम में आगे बढ़ता जाएगा। तो जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन वाला प्लस, और जहाँ पे डेंसिटी कम है उसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। तो देख लो डायग्राम से, अगर एयर मॉलिक्यूल्स को मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँ, तो ये कोई एक पाइप है, पाइप के अंदर यहाँ पे मैंने कुछ बोला तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो पार्टिकल्स ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, ये एयर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे देखो आप सारे के सारे यहाँ पे चले गए, मतलब यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो गया, इसको हम बोलेंगे कंप्रेशन। यहाँ पे वेरी लो डेंसिटी है तो इसको हम बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन। थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ये पार्टिकल्स जो मैंने बोला था इसलिए आगे बढ़े थे वो फिर से यहाँ आ जाएंगे, और ये वाले पार्टिकल जो पहले से यहीं पे थे वो थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, और नेक्स्ट लेयर जो था वहाँ पे वो साथ में जाएंगे। मतलब अभी ये पोर्शन जो था, मतलब जो कंप्रेशन था वो अब बन गया रेयरफैक्शन, और यहाँ पे हो जाएगा कंप्रेशन, ठीक है। तो मेरा जो एनर्जी था, मेरा जो साउंड एनर्जी था, वो धीरे 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 ऐसे आगे बढ़ेगा, और सामने जो सुनने वाला है वो उसके कान में जाएगा, और उसका जो कान का जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, पर्दा, कान का जो पर्दा है उसको वो वाइब्रेट करेगा, और वो आदमी मुझको सुन सकता है। ये हो गया हमारा साउंड वेव, साउंड वेव ऐसा आ गया। अच्छा, तीसरा जो वेव है इन्फॉर्मेटिक वेव, इन्फॉर्मेटिक वेव किसको बोलते हैं, आप रेडियो सुन रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, आप मोबाइल पे बात कर रहे हो, तो वो कैसे होता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वेव के फॉर्म में आपके फ़ोन में, आपके रेडियो में, या फिर आपके टीवी में आती है। उसमें होता क्या है, तो सपोज हम रेडियो का एग्जाम्पल लेंगे, तो रेडियो स्टेशन है जहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन उनको भेजनी है वो सबसे पहले उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करेंगे, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिट किया जाएगा एंटेना से। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके रेडियो में, क्योंकि आपके रेडियो में रिसीवर रहता है, तो वो रिसीव करेंगे वो वेव्स को, वो वेव्स फिर से इलेक्ट्रिक सिग्नल में जाएंगे, फिर से इन्फॉर्मेशन में आएंगे, और वो आप रेडियो पे वो जो गाना बजता है ना वो आप सुन सकते हो। ये हो गया इन्फॉर्मेटिक वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या तो डायरेक्ट मीडियम से भी ट्रांसमिट हो सकते हैं, या फिर उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर आता है, आप गूगल कर ले सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर क्या है, तो उसके अंदर से भी ये ट्रांसमिशन हो सकता है। इससे क्या होता है, ट्रांसमिशन की स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले पढ़ना है हमें वेव्स के टाइप्स कितने, मेनली टू टाइप्स ऑफ वेव्स आते हैं, फर्स्ट वन इज मैकेनिकल एंड सेकंड वन इज नॉन मैकेनिकल। तो मैकेनिकल वेव्स में क्या है, आप देख लो, मैकेनिकल वेव जो है मैकेनिकल वेव किसको बोलते हैं, जिस वेव को प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम चाहिए उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। यहां पे आप बोल सकते हो मीडियम रिक्वायर्ड। नॉन मैकेनिकल में क्या है, इसको मीडियम नहीं चाहिए, नो नीड ऑफ मीडियम, विदाउट मीडियम भी प्रोपेगेट कर सकते हो। तो इसके एग्जाम्पल कौन सा, मैकेनिकल का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, मैकेनिकल का एग्जाम्पल है साउंड वेव, ठीक है। तो साउंड वेव को प्रोपेगेट करने के लिए एयर, पानी या कुछ चाहिए, ठीक है। वैक्यूम में अगर साउंड को प्रोपेगेट करना चाहे तो वो नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल ही नहीं है, या फिर पार्टिकल नहीं होगी तो रिफ्लेक्शन कंप्रेशन कुछ नहीं मिलेगा, तो वेव प्रोपेगेट नहीं होगा। और दूसरा नॉन मैकेनिकल में अगर एग्जाम्पल में ले तो हम सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ले सकते हैं, इसमें रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, जो विजिबल रेज है वो सारे के सारे आ गए, तो सारे के सारे जो है वो नॉन मैकेनिकल वेव, उनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, तभी तो वो सन से डायरेक्ट अर्थ पे आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैकेनिकल वेव हो गए, नॉन मैकेनिकल वेव हो गए, अभी तीसरा जो टाइप है वो अभी आपको नहीं पढ़ना है, वो आप ट्वेल्थ में पढ़ोगे, लेकिन बता देता हूँ आपको, वो बोलते हैं उसको मैटर वेव, ठीक है। मैटर वेव्स क्या होता है, तो आप शायद केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो इलेवंथ में, डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला टॉपिक याद है ना, तो डी ब्रोगली ने क्या कहा था, अगर कोई पार्टिकल, बहुत छोटा सा पार्टिकल, बहुत कम मास वाला पार्टिकल, अगर प्रॉपर वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, तो उसके पास कुछ
वेव प्रॉपर्टीज भी है, उसकी आपने वेवलेंथ भी फाइंड की थी. मतलब अ पार्टिकल विच हैज अ वेरी स्मॉल मास एंड इफ इट इज मूविंग विद वेलोसिटी वी, देन इट कैन बिहेव लाइक अ वेव. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बी ग्रुप वालों को तो पता होगा. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है लेकिन फिर भी वो माइक्रोस्कोप में यूज होता है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल के फॉर्म में नहीं वेव के फॉर्म में यूटिलाइज किया जा रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन के वेव्स वहां पे मिले, इस तरह के वेव्स जो है उसको बोलते हैं मेटल वेव्स. ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ मैकेनिकल वेव प्रोपेगेट्स. मैकेनिकल वेव आगे कैसे बढ़ता है, मतलब जिसको मीडियम चाहिए वो धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ेगा. तो हम एग्जांपल ले रहे हैं, तीन मैंने यहाँ पे स्प्रिंग लिए ठीक है सीरीज कनेक्शन में. अगर यहाँ से इसको मैंने थोड़ा सा प्रेस कर दिया तो क्या होगा, तो डिस्टॉर्शन दे रहा हूँ मैं इसको. तो अगर इसको थोड़ा सा मैंने प्रेस कर दिया तो ये थोड़ा प्रेस होगा फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, वो डिस्टॉर्शन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और यहाँ पे एंड आएगा. मतलब हर एक स्प्रिंग अपने मीन पोजीशन के आसपास एक ओसिलेशन फिनिश करेगी ठीक है, और वो ओसिलेशन के बाद वो स्टडी हो जाएगी और धीरे धीरे वो जो डिस्टर्बेंस था वो लास्ट स्प्रिंग तक पहुँच जाएगा ठीक है. अच्छा, दूसरा एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ट्रेन का. ट्रेन में क्या होता है, तो ट्रेन की जो सारी बोगीज है वो अगर इसको ऐसे कनेक्ट करके रखा हुआ है ठीक है, तो जब इंजन इसके साथ कनेक्ट होगा तब क्या होगा. अगर इंजन इसके साथ कनेक्ट होगा तो बस इसको ये वाइब्रेट करेगा, थोड़ा हिलेगा ये, फिर वो वाइब्रेशन इसको मिलेगा, फिर इसको मिलेगा, फिर इसको मिलेगा, लास्ट तक जाएगी. मतलब यहाँ से वाइब्रेशन पास हुआ और ये धीरे 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 करके ट्रेन के आखिर तक जाएगा. तो ये हुआ मीडियम के अंदर वेव का प्रोपेगेशन. वो एक पार्टिकल है उसको वाइब्रेशन मिला, वो इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से दूसरे को देगा, तीसरे को देगा, चौथे को देगा, धीरे धीरे पूरे सिस्टम में वो वाइब्रेशन लास्ट तक पहुंचेगा ठीक है. अच्छा, वेव्स के हमने मेनली दो टाइप्स पढ़े थे, मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स. अच्छा, उसमें भी सब टाइप्स आते हैं, तो वो क्या है वो देखो. एक है ट्रांसवर्स वेव्स है, एक ये लॉन्जिट्यूडनल वेव है. ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, गुजराती में इसको बोलते हैं लंबगत, लंबगत तरंग, एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव को बोलते हैं संगत. तो दोस्तों ट्रांसवर्स वेव क्या है, सोच लो कि जो वेव है वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है ठीक है. मैकेनिकल वेव की बात कर रहे हैं हम. अगर वेव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और मीडियम के पार्टिकल एक्स डायरेक्शन से परपेंडिकुलर अगर अपना ओसिलेशन दे रहे हैं, मतलब सिंपल हार्मोनिक ओसिलेशन जो मिल रहा है वो प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है अगर, तो क्या होगा, तो उस तरह के वेव्स को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स ठीक है. तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होगा. वेव का प्रोपेगेशन का डायरेक्शन आप देख रहे हो एक्स डायरेक्शन में, और यहाँ पे जो पार्टिकल है वो ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं. तो पानी के अंदर जो हो रहा है वो हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि वो 100% ट्रांसवर्स वेव्स है, इसमें कुछ अमाउंट लॉन्जिट्यूडल वेव्स का भी होता है. लेकिन अगर सोच लो कि पानी का एक मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर जा रहा है ऐसे और वापस आके स्टडी हो गया, तो वहाँ से नेक्स्ट वेव जो ऐसे आगे बढ़ रहा है लेकिन ओसिलेशन ऐसे हो रहा है, मतलब वेव ऐसे आगे बढ़ेगा ओसिलेशन ऐसे हो रहा है, दोनों परपेंडिकुलर हुए, तो इस तरह के वेव्स को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स. और लॉन्जिट्यूडल वेव्स में क्या होगा, साउंड वेव्स जो थे वो लॉन्जिट्यूडल वेव्स है. अगर मैं बोल रहा हूँ तो वेव्स ऐसे प्रोपेगेट कर रहे हैं आपकी तरफ ठीक है, और जो ओसिलेशन हो रहा था एयर पार्टिकल्स का वो भी उसको पैरेलल हुआ था. मतलब ओसिलेशन एंड प्रोपेगेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मतलब एक ही वो दोनों पैरेलल है, उस तरह के वेव्स को हम बोलेंगे लॉन्जिट्यूडनल वेव्स ठीक है. अच्छा, मैकेनिकल वेव्स है उसमें दोनों तरह के वेव्स दिखने को मिलते हैं, मतलब मैकेनिकल वेव्स में लॉन्जिट्यूडनल वेव्स भी है ट्रांसवर्स वेव्स भी है. उसका हम एग्जाम्पल लेंगे. मैकेनिकल वेव में सोच लो हमने एक स्ट्रिंग को एक दीवार से बांध दिया, दूसरा एंड मेरे पास है ठीक है. तो दीवार से अगर बांध दिया तो स्ट्रिंग हमारा हो गया मीडियम. अच्छा, तो स्ट्रिंग के एक एंड को मैं ऐसे ऊपर और नीचे वन बाय वन एक बार मैंने उसको डिस्टर्बेंस दिया, तो ऊपर जब जाएगा तो वो क्रेस्ट प्रोड्यूस करेगा, नीचे जाएगा तब वो ट्रफ प्रोड्यूस करेगा. तो वो क्रेस्ट एंड ट्रफ वाला जो वेव है वो धीरे 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 मीडियम में आगे बढ़ेगा. अगर बहुत लंबी स्ट्रिंग होगी तो वो रिबाउंड हो गया वापिस, मतलब उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा. अगर शॉर्ट स्ट्रिंग है तो वो उसका रिफ्लेक्शन भी होगा ठीक है, समझ में आया. तो ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स वेव, जिसमें मैंने जो ओसिलेशन दिया
वो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर था और जो वेव आगे बढ़ा वो स्ट्रिंग में ऐसे आगे बढ़ा, तो ये हो गया ट्रांसवर्स वेव। समझ में आया? अच्छा, तो मैकेनिकल वेव्स के दो टाइप हमने पढ़े, ट्रांसवर्स वेव से, लॉन्जिट्यूडनल वेव से। ओके,